नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त बड़ी खबर हम मानसा तहसील से आ रही है, जहां पर एक बार फिर कोरोना कहर बरपाया है, जहां लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि मानसा कोविड सेंटर के बाद एक बार फिर छः माह की गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया है। ये स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का कारण बताया जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जूना सात की एक महिला वहाँ अपने परिजनों के साथ पहुंची थी, जिसके बाद परिजनों को यह कहा गया कि आप जाके सरकारी अस्पताल से पर्ची बनवा के लाएं, फिर हम इसको एडमिट करेंगे। लेकिन उससे पहले परिवार पर्ची बनवा के लेके आता जब तक जो है महिला ने दम तोड़ दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लगातार नीमच जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो एक बार फिर इस वीडियो ने, जो हमारे पास वीडियो आया, इसने फिर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नीमच में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात, एक वीडियो सरवाणिया के युवक ने बनाया था और उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उसके कुछ देर बाद जो युवक ने दम तोड़ दिया था, जिसमें बताया गया था कि उसको यहाँ के डॉक्टर जो है पिछली रात से देखने नहीं आया, उसने दम तोड़ दिया था। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, बड़े ही भयावह है। और लगातार हम और आप कह रहे हैं कि नीमच में स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन और सरकार यहाँ लाख दावे कर रही है, यहाँ के नेता लाख दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो वीडियो बार बार आ रहे हैं उनसे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। ये तो आप तक का अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए बन रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। छह महीने बच्चे पेट में सांस की तकलीफ थी खाली, इसको एक घंटे पहले हम यहाँ पे आए, इन्होंने कुछ इलाज नहीं किया, वापिस वहाँ सरकारी मनासा में भेज दिया इन्होंने, तो यहाँ लाते लाते वापिस मर गए। एक घंटे पहले ये ऑक्सीजन देते थे तो अभी ये बच्ची हुई होती। यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहे।